आप क्रिश्चियन हो? नहीं। वेनिस नाम? जेनिस। हाँ है। जेनिस है कि वेनिस है? जेनिस। अच्छा जेनिस है। हाँ वैसे लग नहीं रहे आप क्रिश्चियन। मैं हूँ भी नहीं। हाँ नहीं नाम वो है ना। सो हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ काम पे। बहुत दिनों से मैं काम नहीं करा था, तो मतलब काम पे निकल रहा हूँ मैं अभी। राइड वगैरह लेंगे लोगों की, मतलब राइड्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज है फ्राइडे, तो लेट्स गो, अभी चलते हैं काम पे। ओके तो गाइस, सामान वामान लेके बैग लेके अपना निकल चुका हूँ। ये हेलमेट है पैसेंजर का, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली बाइक राइडिंग का काम करता हूँ, ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी का काम करता हूँ। तो गाइस प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा सैटरडे का कल का प्लान है, आज फ्राइडे है, ट्रेड फेयर में जाना है। तो बहुत दिनों से मैंने मतलब पैसे ऐसे जमा नहीं कर रहा था, तो थोड़ा बस आज निकल गया पैसे वैसे इकट्ठे करने के लिए। देखता हूँ 2-3 हज़ार 1500 हो जाएंगे, तो कल भी थोड़ा 3-4 घंटे काम करूँगा सुबह सैटरडे को, और फिर अपना दोपहर के 11-12 बजे एंट्री कर लूँगा ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर जाने की सोच रहा हूँ मैं। कल एक मेरा दोस्त हो रहा है, वो भी चल लेगा साहिल, देखता हूँ। तो आज देखेंगे कितनी राइड कंप्लीट होगी। आज मेरा टारगेट है कम से कम रात के 10 बजे तक मैं काम करूंगा, 10 11 बजे तक। अभी बज रहे, ओ भाई यार वो चीज सिग्नल। तो गाइस एक राइड आई है ऊपर में, एक राइड आई है ऊपर में, यहाँ पर को लेते हैं, और 114 रुपए की राइड है। हेलो हेलो, हाँ जी ऊबर, ऊबर पे सुनो, आपने पहले रैपिडो पे करी थी? अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ अभी, खेड़ा खुर्द में है ना, 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइस मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, और बंदा भी यहीं कहीं होगा, अभी आगे है लोकेशन। ये खेड़ा खुर्द है। दीपक OTP क्या है सर? 7706। ये लो, पीछे से जाना ना। आपको लहर कहाँ पर जाना? आपको बुराड़ी का। बुराड़ी का वो कितना दिखा रहा था उसमें फेयर? 118 के आसपास है ना? 100 रुपये है ना? 100 रुपये दिखा रहा है। हाँ। दिखाओ। 97 है मेरे को तो, 118 दिखा रहा था। अच्छा आप ना 100 रुपये मेरे को, एक्चुअली इसका पेट्रोल खत्म हो रहा है और पैसे है नहीं मेरे में, तो 100 रुपये अभी दे देना, मतलब पेट्रोल पंप आएगा जब। अच्छा आप उसमें कर रहे हो क्या? नहीं आप ऐप टू ऐप से जाएंगे आपके उससे? नहीं क्रेडिट कार्ड लिंक है, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कंपनी का है ना, मतलब ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। अच्छा कट गए क्या? अब इसका पता नहीं है ना, ये कब बंद हो जाएगी साली बिल्कुल। यहाँ का नहीं, वो मेन रोड पे होगा शायद। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ, तो अभी ज़्यादा कमाई है नहीं मेरे पास। हाँ बहुत दिनों बाद आज निकला हूँ मैं बिजी था थोड़ा। हाँ देखते हैं जहाँ तक चल लेगी। 10-20 रुपये पड़े हैं, उन्हीं का भरवा लूँगा और क्या। पहले भी गए हो यहाँ पर? क्या वहाँ भी जा रहे पहले भी गए हो? करी है मैंने, इधर पहली बार आया। अच्छा अब यहाँ इस रोड पे है कहाँ? ये रास्ते में पड़ेगा पेट्रोल पंप? ये मेरे घर के पास है, 1 किलोमीटर दूर है, बाईपास की तरफ रोड निकलती है ना बुराड़ी। हाँ अब इसका भरोसा नहीं देखा। हाँ मेरे को भी दिखा नहीं रहा मैप में वहाँ तक पहुँच जाए।
पंप आ गए। अरे बंद है क्या साला, बंद है। Too deep and we're both losing control. एक और है नायरा, देखते हैं कहाँ तक चले। मेरे घर के आगे है, पर 1.5 किलोमीटर आगे पड़ेगा। ये रहा ना, ये रहा, आ रहा है, आ रहा है, एक आएगा। ये पूरा गांव बुराड़ी है क्या? होने वाले ये कौन सा गांव है? ये अच्छा, एक साला एक कान में फोन लगा रखा है, दूसरे में साला उसका दोस्त सुन रहा है। ओए उधर जाना है, उधर पेट्रोल, पैसा देखना पड़ेगा। हाँ उतर जाओ। तो गाइस पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, रिजर्व में लगी हुई है, ये देखो। अड़तीस का डाल दो, 38 रुपीज। हो गया 20 रुपये, ये रुको, और पेटीएम कर रहा हूँ 18 रुपये। कर दिया ठीक है, 18 रुपये कर दिए हमने। साला कुछ फर्क पड़ा है। अबे क्या कर रहा है ये साला, हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। निकाल लेंगे भाई, तू तो चला जा अपनी गाड़ी लेके साले। ये भाई निकाल लो ना, ऐसे कह रहा है। हाँ जी सर, हो गया पेमेंट। हाँ सो गाइस, सभी एक राइड कंप्लीट करी है मैंने। ये कहाँ दिखा रहा है, एक और राइड एक्सेप्ट कर ली है, वो शायद पार्सल की है दूसरी वाली। साला पेट्रोल 38 रुपये का डलवाया, अभी भी रिजर्व में दिखा रही है। तो गाइस मैंने पहली राइड तो कंप्लीट कर ली है, 114 रुपये के आसपास शायद। वो ऑटोमेटिक पेमेंट होगी, वो ऊबर ऐप से, ऊबर ऐप में मेरे ऐप में आ गई है। अब मैं दूसरी उसको लेने जा रहा हूँ पार्सल। देखो राइड आई है ऊपर में ही, 40-45 की है पार्सल है, मतलब यहीं बुराड़ी में ही छोड़ना है। ये बुराड़ी गांव है शायद, पता नहीं, बुराड़ी एक जगह है, गांव है कि पता ही चल रहा क्या चीज़ है। अरे यार लोकेशन पे आ गया हूँ मैं, नितिन नाम से है। ये देखो कैश ट्रिप दिखा रहा है, ये शायद वो है, ये टैक्सी बाइक, मतलब राइडर है, राइडर ले जाना है, ये पार्सल नहीं है, राइडर है। नितिन 05030। स्प्लेंडर है, राइड जाना है ना। हाँ कहाँ से? पीछे वाले रोड से, चंदन गिरी की रोड से। ओके थैंक यू। तो भाई इनके राइड हो गई है सेकंड राइड, 47 रुपये की थी। बुराड़ी से उठाना था, बुराड़ी में ही छोड़ना था, 4 किलोमीटर है टोटल। अभी बाइक चल चुकी है 27 किलोमीटर, मेरे को बुराड़ी से बाहर निकल रहा है। साला बेकार एरिया है, कनॉट प्लेस चलेंगे, कनॉट प्लेस वहाँ घूमेंगे। तो गाइस तो अभी 38 रुपये का डलवाया था पेट्रोल थोड़ी देर पहले, वो पहली राइड में जा रहा था बुराड़ी के लिए। तो अभी दोबारा वो सेकंड राइड कंप्लीट करिए, 47 रुपये मिले, तो 47 का और डलवा लेता हूँ, बिल्कुल ही लो हो रखा है।
47 का डाल दो। कर दिया भैया, हो गया, पेमेंट हो गई। तो गाइस पेट्रोल भरवा लिया मैंने, अब चलते हैं यहाँ से, बुराड़ी से बाहर निकलते हैं। अब ये देखो साला टूटा फूटा सा रास्ता है, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पे नाली का सारा पता नहीं क्या खोद रहे हो, कीचड़ कीचड़ हो रहा है यहाँ पर। मेरे को ऐसा एरिया बहुत ही बेकार लगता है। अभी मैंने पहले तो 38 रुपये का डलवाया था पेट्रोल, अब 47 का और डलवाया है, लेकिन अभी भी देखो ये ब्लिंक कर रही है मेरी। जब तक इसमें मैं 200-300 का नहीं डलवाऊँगा ना, तब तक ये सही नहीं होगी। ये देखो आप रुकी, अभी मैं 100-200 का और डलवा दूंगा इसमें, थोड़ा वो आएगी राइड वगैरह आएगी। तो देखो गाइस अब ये दो डंडे दिखा रहा है यहाँ पर, पहले एक आ रहा था अब दो आ गया है। ये थोड़ी मतलब इस पीछे जो टंकी है ना स्प्लेंडर की एक्सटेक वाली, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, सेंसर तो वो मतलब पहले स्कैन करता है, मतलब उसके हिसाब से वो करता है, मतलब यहाँ पे शो होता है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन सही है वो। मतलब सबके कुछ लोग कहते हैं कि स्प्लेंडर की ये जो है स्कैनर इसका काम नहीं करता ये मीटर, मेरे को तो सही लगता है बिल्कुल ही, मतलब एक्यूरेट सही बताता है। कुछ लोगों का मैंने रिव्यू देखा है यूट्यूब पे, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक ये गाड़ियाँ बंद हो जाती है खाली बीच में, इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाता है। और भी कई कारण है, अभी देखो कितना बड़ा थोड़ा ही है वैसे तो 15 किलोमीटर दिखा रहा है रॉ प्लेस। वैसे यार आज मुझे काम करने का मूड है मेरा, अगर कोई राइड आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये दिल्ली के जो है मतलब ये मशीनें चलाई गई है, जो पानी छिड़कती रहती है पॉल्यूशन को नीचे दबाती है ज़मीन पे, तो मुझे तो ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। अल कज़ार गाड़ी जा रही है गाइस। तो गाइस हम आ गए ISBT, तो गाइस हम आ चुके हैं ISBT। ये देखो दिल्ली का जो बस अड्डा है, ये फुट ओवर ब्रिज है जहाँ से लोग रोड क्रॉस करते हैं। अभी लोग जा रहे हैं इधर उधर, देखो मेट्रो जा रही है उस तरफ, अपना बस स्टैंड है, ये रहा बस स्टैंड का जहाँ मेन गेट मतलब जहाँ से बसें निकलती है ये वाला है, ये जो दिख रहा आपको राइट साइड में, ये देखो बस भी निकल रही है, ये बसें खड़ी है और यहाँ काम चल रहा है। ये पुल ही पुल है, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, ये ऊपर पेंट वेंट का चल रहा है कुछ काम। अरे कौन हॉर्न मार रहा है? सिद्धांत आ जाओ जी, ले चलोगे? दो को ले चलेंगे, डबल लेंगे लेकिन। हाँ एक को, दो का तो डबल ही लगेगा। OTP क्या? 0626। चलो जी चलते हैं, तीसरी राइड है गाइस। सीधा भैया लोकेशन तो आपने कहीं और की डाल दी थी, ये देखो ये कहीं और की लोकेशन दिखा रहा है इधर इस वाली गली में। ये देखो जहाँ मैं पूछ रहा था मुड़ने के लिए, ये देखो कहाँ की लोकेशन दिखा रहा है, पार्क है जो जवाहर मार्केट पार्क, हाँ तो वहाँ का आपने लोकेशन डाल रखी है, करेक्ट लोकेशन डाला करो, इससे क्या है ना फिर वो पेमेंट में भी फर्क पड़ जाता है। 63 हो गया, तो पेमेंट हो गई इनकी। ऊबर में इतने हो गए टोटल, 2 ट्रिप्स मैंने कंप्लीट करी है, 165 हो गया है। और रैपिडो में अभी जो रैपिडो की मैंने कंप्लीट करी है, ये 38 दिखा रहा है लास्ट ऑर्डर 38। ये देखो एक और आ गया अब शादरा, साला बेकार है यार,
इसको हटाओ, स्किप कर दो। जो जगह बेकार लगती है ना, मतलब जैसे ये है मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, थोड़ी गलियों वाली जगह, जैसे बुराड़ी था बेकार, वो भी बेकार जगह, मतलब ऐसी जगह पे मैं जाना नहीं चाहता, गलियां सारी टूटी फूटी सी। गाइस तो अभी एक और राइड आई है संदीप के नाम से, ऊबर में आई है, ऊबर में मैं ऊबर और रैपिडो में काम कर रहा हूँ अभी, मतलब ये दोनों ऑन है, ऊबर और रैपिडो में कर रहा हूँ। 1.5 किलोमीटर की राइड है, मतलब पिकअप है, पिकअप करते हैं उनके। ये जो अभी राइड है संदीप, इनको उठाता हूँ और इनको रूपनगर जाना है, और 45 रुपये के आसपास, 44 रुपये ऐसे कुछ दिखा रहा है, लेकिन लेकिन क्या, एक मिनट ये क्या होगा भैया, जय श्री राम बजरंग बली, ये तो गेट बंद है यार। जय बजरंग बली, बालाजी दरबार है, जय बालाजी की। तो गाइस मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, संदीप, संदीप के नाम से है, अब मैसेज पे जाएंगे, आए मेरा अराइव पे क्लिक कर दिया, अब कॉल करते हैं न्यूटन मार। संदीप हाँ दो चले, अच्छा वेडिंग में कर, वेडिंग भी कर रहा हूँ, वैसे भी कर रहा हूँ यार, मेरे को ना एक्चुअली वेडिंग में वो चाहिए था कोई साथ, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है इसमें फोटोग्राफी में। हाँ 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 पैसे तभी नहीं, मेरे को ना, मेरे को एक्चुअली मेरा ये है ब्लॉगिंग का, यूट्यूब का उससे, तो मैं सेटिंग वेटिंग वो सब थोड़ा मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा उससे, इसलिए मैं थोड़ा वो करना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा हो जाए, क्योंकि मेरे को अभी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। हाँ अभी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब एक साल ही हुआ है, 1-1.5 साल। हाँ हाँ तो आप कैमरा अभी मैंने DSLR ऐसी सेकंड हैंड लिया है, निकॉन का है, वो पुराना है, मतलब हाँ मतलब बहुत पुराना है, 6-7 साल पुराना है, निकॉन 3100 ऐसे करके, 3100D। हाँ हाँ डी, कैमरा अच्छा है, पर आपकी वीडियो भी सोनी अच्छा है। हाँ हाँ मैं नहीं, अभी मैंने ऐसी ले लिया वो, हाँ ट्रायल बेसिस वो अभी लिया है दिवाली पे, ये दोनों कैमरे मैंने। तो अब आप बताओ फिर कहाँ पर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो फिर साथ, साथ में करेंगे फिर काम, बताओ सिखा दोगे मेरे को, आपको बंदों की जरूरत पड़ती रहती होगी। अरे मैं मतलब मान लो मैं सिखाओगे, कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ रोहिणी में। अच्छा, हाँ रोहिणी उस साइड है, अरे पीतमपुरा जी, ये जो आप अब अभी आपको छोड़ूंगा वो प्रशांत विहार, नहीं नहीं ये तो अभी तो रूपनगर है, कम है। हाँ हाँ रूपनगर है वो, तो अच्छा मतलब आपको छोड़ने के बाद वहाँ से कुछ सामान उठाओगे फिर आप जाओ, अच्छा तो कुछ ऐसा मतलब कहीं मिले तो बताना, अपॉर्चुनिटी जरूरत पड़े तो। हाँ हाँ अभी नंबर आप ले लेना, तो कब तक फिर, कब तक मिल जाएगा फिर काम? अच्छा तो जैसे आप मेरे को अपने साथ रखोगे तो एक दिन में मतलब पेमेंट वगैरह भी दोगे कि पेमेंट कितनी होगी? पेमेंट 500 रुपये। चलो बढ़िया है, तो मतलब एक रात की। हाँ हो जाओ, चलो मैंने ना एक बंदे से बात करी थी, वो पता नहीं दिल्ली के बाहर चला गया, वो फोटोग्राफी का ही उसी से, वो मेरे को कनॉट प्लेस में मिला था। हाँ तो मैंने उससे नंबर वंबर लिया, फिर उनसे मैं बात कर मतलब डेली कॉल कर करके पूछ रहा हूँ भाई, वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, फिर मैंने सोचा चल छोड़ यार। फिर एक दिन उसने लोकेशन भेजी, कह रहे यहाँ आ सकते हो, पता नहीं नागपुर वगैरह की थी वो लोकेशन। मैंने कहा नहीं भैया मैं तो दिल्ली सोचा था, दिल्ली में करते होगे आप, फिर वो कह रहा नहीं। चलो आप दिल अभी तो जैसे दिल्ली में होएगा तो मेरे को बता देना, इंडिया लेवल का तो अभी ज़्यादा नहीं, यही लोग। तो गाइस अभी मैंने वो कर दिया, एक संदीप था अभी
छोड़ दिया उनको। एक ये फूड डिलीवरी की आ रही है रैपिडो पे, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 30 रुपये की है, यहीं पास में ही है। ऊबर को ऑफ कर देता हूँ, अब उसको ले लेता हूँ मैं। हल्दीराम से कुछ पार्सल है, देखो ऊबर में ये हो गया 207, रैपिडो में अभी चलते इसको आज पिकअप करते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ हल्दीराम के ही मॉल, एक मॉल सा है वहाँ पर हल्दीराम। ये देखो ऑर्डर लेता हूँ, हेलमेट में लगा हुआ। गाइस मैं हल्दीराम पे आ गया हूँ, वेट कर रहा हूँ, एक बनाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है देखो ये फूड रेडी दिखा रहा है, लेकिन अभी रेडी हुआ नहीं, इन्होंने करा नहीं। तो गाइस ये ले लिया मैंने ऑर्डर ले लिया मैंने। तो चलते हैं, 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, 2 किलोमीटर है। तो मैंने ऑर्डर ले लिया है, ये रहा ऑर्डर, चलते हैं अब। 2 किलोमीटर दिखा रहा है, देखो गाइस। डिलीवरी कर दी मैंने, डिलीवरी हो चुकी है। तो गाइस अभी कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, एक और राइड आई है सिविल लाइंस की, मतलब सिविल लाइंस ले जाना है। ये एरिया मेरे को पता नहीं कौन सा है, लेकिन DU के आसपास का है एरिया। तो यहाँ से राइड लेना है, राइड ले लेता हूँ। अभी पार्सल जो हल्दीराम वाला यहाँ पे दिया था, इसी के दो बस 500 मीटर के अंदर था ही थी। बर्थडे चल रहा है, बर्थडे पार्टी। तो गाइस ये 200 मीटर के अंदर ही एक और राइड आ गई है, तो उनको पिकअप करने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस 2 किलोमीटर की है राइड, खत्म कर दो। ये कौन सा स्टेडियम है, ये वाला? आराम से आराम से मैडम। हाँ इस पे ही कर दो आप, ये लो 32 हो गया। आप क्रिश्चियन हो? नहीं। वेनिस नाम? जेनिस। हाँ जेनिस है कि वेनिस है? जेनिस। अच्छा जेनिस है। हाँ वैसे लग नहीं रहे आप क्रिश्चियन। मैं हूँ भी नहीं। हाँ नहीं नाम वो है ना। हाँ वो मेरे डिसबैलेंस हो गया, मेरे को सब नाम से क्रिश्चियन ही समझते हैं। हो गया ओके बाय।